कितने लोगों को पता है? एक दो। सो आज का टॉपिक है कॉन्करिंग गॉड, राइट? तो कॉन्करिंग का अर्थ क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? तो आप में से कितने लोग जानते हैं गॉड है कौन? बोलो बोलो। कृष्णा कृष्णा। प्रभुपाद सेज दैट गॉड इज नॉट अ वैलिड टर्म यूज इट फॉर कृष्णा, दैट्स व्हाई प्रभुपाद यूज दिस वर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। टॉपिक ही गलत है हमारा, डिस्कशन कैसे सही होगा? इसके लिए हमको देखना प्रभुपाद के बुक्स क्यों केयरफुली रीड करनी है, ताकि हम लोगों को पता चले। प्रभुपाद कुड हैव सिंपली रिटन ना गॉड, व्हाई डिड प्रभुपाद चूज दिस वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड? दीज आर यू नो वर्ड्स, जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते थे जो अंग्रेज लोगों को बैठ करके डिक्शनरी ओपन करके पढ़नी पड़ती थी, पता ही नहीं होता था क्या है, डिक्शनरी में ढूंढते थे वो। सिमिलरली एंड द प्रो कीर्तन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कीर्तन में इंटरेस्टेड हैं, क्लास छोड़ करके हम लोग चले जाते हैं, गौ आरती देखना, ये करना वो करना, और कीर्तन में पार्टिसिपेट करना। तो एंड द प्रो ऐसा नाम है इस्कॉन में जिन्होंने एक्चुअल में 24 आवर कीर्तन को एक लाइफ दी। सो एंड द प्रो बताते हैं कि उनकी एक उनके ऊपर एक बुक लिखी हुई है, दैट्स लाइक ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ एंड द प्रो। तो उसमें लिखा गया कि प्रो जब उन्हें फर्स्ट टाइम एक बुक मिली थी, दैट इज ईशोपनिषद, द वेरी फर्स्ट बुक विच एंड प्रो गॉट, वो हर एक वर्ड के लिए डिक्शनरी यूज कर रहे थे फॉर ईच एंड एवरी वर्ड। तो इतना इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग किसके ऊपर कॉन्कर करना चाह रहे हैं? भगवान के ऊपर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, राइट? बट टॉपिक बड़ा हो जाता है इसलिए हमने उसको कंसाइज किया, ऐसा नहीं कि हमने गलत टर्म्स यूज की, राइट? So, पहले किसी चीज को कॉन्कर करना तो पता होना चाहिए उसके बारे में। कोई है यहाँ पे बोल सकता है कि मुझे आई नो ऑल अबाउट कृष्णा, लाइक और आई नो कृष्णा? एनीवन? बिकॉज इवन प्रभुपाद राइट्स, प्रभुपाद सेज दैट यू नो सिंस कृष्णा इज इन अनलिमिटेड, यू नो हिज पोटेंसीज आर अनलिमिटेड, पास्ट टाइम्स आर अनलिमिटेड, सो हाउ कैन वन नो समथिंग व्हिच इज अनलिमिटेड? लिमिटेड चीज को आप जान पाएंगे? अनलिमिटेड चीज को कोई जान पाएगा जिसका कोई अंत ही ना हो? नहीं जान पाएंगे, राइट? सो दिस इज वेयर वी फॉल शॉर्ट, राइट? वी वांट टू कॉन्कर समथिंग व्हिच वी डू नॉट नो, हमको पता ही नहीं वो है क्या, क्या चीज को हम कॉन्कर करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई लैंड है, टेरिटरी, यूजुअली आप देखेंगे जब फाइट होती है दो नेशन के बीच में, एक नेशन दूसरे को कॉन्कर करने का ट्राई करता है, तो उसको ऑलरेडी पता होता है इसका नेशन में लिमिट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इनके पास क्या क्या वेपन्स है, इनकी मिलिट्री की क्या क्या स्पेशलिटीज है, राइट? उन लोगों को ये सारी चीजें पता होती है, हमको तो पता ही नहीं भगवान के बारे में, तो कॉन्कर करना तो दूर की बात होगी ना, पर आपको पता है सबसे यहाँ पे बोल सकते हैं ना इंटरेस्टिंग चीज क्या है, भगवान खुद ही बता रहे हैं कि उसको कॉन्कर कैसे करना। कोई भी देश दूसरे देश को बताएगा कि नहीं देखो आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ तुमको कि मेरे ऊपर विजय कैसे पानी है, हाउ कैन यू नो कॉन्कर मी, हाउ कैन यू हैव विक्ट्री ऑन आर फोर्सेस, हाउ कैन यू टू टेक ओवर आर कंट्री, राइट? कोई भी ऐसा नहीं बोलता। या कोई भी दो ऑपोजिट टीम, रिसेंटली अभी आईपीएल के सीजन चल रहे थे, राइट? तो कोई भी टीम नहीं बोले कि आ जाए हम आपको गेम प्लान बताते हैं अपना और आप नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे, हम लोग इसको यहाँ डालेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, ऐसे कोई बोलता? कोई नहीं बोलता, नो वन शेयर्स देयर टेक्निक्स और समथिंग लाइक दैट, ओके? तो हम लोग बात कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान के बहुत सारे नाम है, राइट? भगवान के इतने सारे नाम है, उसमें से भगवान का नाम है अजित, फिर एक नाम है भगवान का दुराजय, दुराजय मीन्स यू नो समथिंग, दुर मीन्स डिफिकल्ट, जय मीन्स टू कॉन्कर, विक्ट्री इज ऑल्सो देयर। सो भगवान का एक नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में से दुराजय, इसका मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर, राइट? बट अगर उसमें हम देखेंगे तो दुराजय का एक और अर्थ होता है,
दुराजय का एक अर्थ, दुराजय भगवान के भक्तों को भी बोला जाता है, जो लोग भगवान के कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में लगे रहते हैं, सतत चिंतन में। तो क्या होता है, भगवान दुराजय के रूप में उनके अंदर रहते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, वन ये भक्तों के इसमें बताया जा रहा है कि जो शास्त्रों के हिसाब से रहते हैं वो लोग भी दुराजय हो जाते हैं, क्योंकि ले हम लोग बोलते हैं कृष्णमय बनना, बिकम लाइक कृष्णा मीन्स व्हाट, कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णा। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं कि हाउ कैन वन थिंग बी सेम एज वेल एज डिफरेंट। प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल देते हैं आयरन रॉड का, राइट? तो आयरन रॉड जब हम आग में डालेंगे तो क्या होता है, आयरन रॉड गर्म होता है, राइट? तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आयरन रेड हॉट होता है, राइट? एकदम लाल हो जाता है, तो उस समय पे वो आग भी रहता है और लोहा भी रहता है, हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये आग है या लोहा है, राइट? सिमिलरली व्हेन डिवोटी इज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णा, तो उसके लिए ये सब चीजें एक्सटर्नल हो जाती हैं, बाहर की, और इसीलिए बोला जाता है कि वो भी दुराजय है, राइट? तो हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है, भगवान को कॉन्कर करना, और भगवान ने ये सारी चीजें किसमें बताई हैं, शास्त्रों में बताई हैं, राइट? लेकिन आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी सीइंग, दैट शास्त्रास आर बीइंग यूज्ड, राइट? हम लोग शास्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने का अर्थ समझ रहे हैं कि हमें जो चाहिए हम उस चीज के लिए शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, राइट? एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लीजिए आप रावण का, रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन उसने किस लिए पढ़ा, किस लिए तपस्या की, ताकि वो भगवान राम पे विजय पा पाए, राइट? पर शास्त्र के हिसाब से उसका अनुसरण ले करके हमको अपना जीवन जीना है, और उसका अनुसरण क्या है, मतलब उसका सार क्या है शास्त्रों का, कि भगवान को प्रसन्न करना, लॉर्ड कृष्ण, वी हैव टू प्लीज द लॉर्ड, राइट? ये शास्त्र का सार है, लेकिन यहाँ पे रावण क्या कर रहा है, उसके एकदम ऑपोजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भगवान पे विजय पाना चाह रहा है और अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रियों को भोगना चाह रहा है, राइट? हम में से भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रावण ही ऐसा था, हम भी यूज कर रहे हैं ना शास्त्रों का, स्पेशली जो हम लोग होते हैं डिवोटी, हम लोग तो बहुत यूज करते हैं, एक एक स्टेटमेंट शास्त्रों से निकाल कर कोट करेंगे, प्रभु जी आप ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं शास्त्रों को ना, दूसरे का नहीं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी किसी ने बोल दिया, हम टेम्पल में बहुत बार देखते हैं, मैनेजमेंट में सेवा है कोई, हम एक डिवोटी को बोलते हैं प्रभु जी ये सेवा करिए, अभी इसमें रिक्वायरमेंट है थोड़ा, तो आप ये करिए, डिवोटी सीधा बैक आंसर करेगा, नहीं प्रभु जी ये भी तो सेवा है, वो भी सेवा है, दोनों सेवा है ना, दोनों से भगवान की भक्ति मिलेगी हमको, मैं ये वाली करूँ या वो वाली करूँ क्या डिफरेंस है, इतना हम लोग लेक्चर में सुनते हैं, मंदिर में आप झाड़ू लगाइए या भगवान की आप आरती करिए, दोनों तो बात एक ही है, तो फिर करने दीजिए ना मुझको आरती, मेरे को झाड़ू मारने की क्या जरूरत है, ये होता है एक आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, युक्त वैराग्य को लेकर के, प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं, इतनी महंगी चीज क्यों ले रहे हैं, प्रभु जी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला था कि जो ब्रह्मचारियों को बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए, और युक्त वैराग्य है ना, प्रभु जी ये चीज तो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ऐसा है, लेकिन हम लोग भगवान से ज्यादा उसको अपनी सेवा में लगाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी ऐसे ही डायलॉग मारता हूँ चीजें लेने के लिए, राइट? तो ये चीजें होती हैं कि हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, राइट? और एक और उदाहरण क्या था आप लोगों को पता है इसमें, यदि आप लोगों को रामायण में पता होगा, रावण के पुत्र का नाम क्या था, एक और नाम था मेघनाथ, इंद्रजीत, एग्जैक्टली। सो इंद्रजीत जो था ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, किस लिए, भगवान राम को डिफीट करने के लिए, पिता भी कर रहा है पुत्र भी कर रहा है, इसी प्रकार से रावण के कुल में जितने भी लोग थे सबके सब यही बोलते ना प्रैक्टिस कर रहे थे एक हिसाब से यदि आप देखेंगे, लेकिन भगवान जो है वो ऐसे सबके समझ में आ जाएंगे, जो नॉर्मल लोग हैं, ही कैनॉट बी यू नो कॉम्प्रिहेंडेड, एक हिसाब से बोला जाए कि भगवान को आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, कॉन्कर नहीं कर सकते आप, ऐसे नॉर्मल लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जो बाहर है जो बोलते हैं ना कि मृत्यु के समय हम भगवान का नाम ले लेंगे, जीवन सफल, अजामिल का कथा फिर बता देंगे, अजामिल ने भी लास्ट मोमेंट पे लिया था, भी लेकर के हो जाएगा हमारा, अभी क्या है, अभी तो थोड़ा हम अपना लाइफ जिएंगे, ठीक है? तो उसी प्रकार से क्या होता है, भगवान जो है ना
वो अपने आप को जो भक्त होता है उसी को रिवील करते हैं, राइट। भगवान की कृपा से हम जान सकते हैं भगवान को। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ क्वालिफिकेशन है कि मैं बाहर जाऊं, मुझको ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो चलिए ये यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या है, कितना बैक होना चाहिए, या फिर इसके क्या क्या क्राइटेरियाज है प्राप्ति के लिए। ऐसे नहीं होता। भक्ति में भगवान की कृपा ही सबसे मेन है। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी भगवान को नहीं देख सकता। और यदि आप इसको देखना चाहेंगे, सबसे बड़ी चीज क्या थी, रावण तपस्या कर रहा था, तो रावण तो बोला, रावण ने बोला कि मैं भगवान पे विजय पाना चाहता हूँ। भगवान बोले अच्छा चलो हटो यहाँ से। हिरण्यकश्यप को भी बोला मैं भी विजय पाना चाहता हूँ भगवान पे, राइट। आज का टॉपिक वही कॉन्करिंग गॉड। तो बहुत, तो इससे क्या देखा जाता है, हिरण्यकश्यप को भी नहीं मिले। क्या देख रहे हैं हम लोग इससे से, कि लाइक यू नो अ लॉट ऑफ मिस्टिक योगीज, लॉट ऑफ तपस्वीज हु आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉन्कर गॉड, बट भगवान आ रहे हैं क्या उनके चंगुल में, एक हिसाब से बोला है भगवान को पकड़ पा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं पकड़ पा रहा। वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि लिए भगवान चूज करते हैं इसको करना है क्या करना है। और भगवान के सारे अवतार देख लीजिए, राइट, दुराजया, और कोई भी कौन कर नहीं सकता, एक भी अवतार ऐसा जिसमें भगवान आ रहे हैं। चालू लीजिए कश्यप, कूर्म, वराह, फिर मत्स्य, फिर उसके अंदर नरसिंह देव का पकड़िए, फिर उसके बाद आपके लॉर्ड राम, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, सब आगे चलते। हिंसा हुई नहीं चैतन्य इस युग में, तो चैतन्य महाप्रभु आए थे। किसमें वो कौन कर गुण है, किसी में हुआ है, किसी में भी नहीं हुआ है, एक भी नहीं। तो उनको कैसे कौन कर करना है, ये सबसे बड़ी चीज है। ये चीज लास्ट में पता चलेगी कैसे कौन कर करना है। बहुत सिंपल है, आप लोग सोचेंगे कि क्या कर क्या रहे हैं हम लोग। तो अब देखा जाए इसमें ना, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भगवान बताते हैं भगवद गीता में, ये श्लोक भगवद गीता में आता है, आप लोगों का होमवर्क है, इसको ढूंढिएगा, बहुत आसान है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन जो भगवद गीता पढ़ते हैं वो लोग अच्छे से पढ़िए, थोड़ा श्लोक को ढूंढने का प्रयास कीजिए, राइट। श्लोक है, अनन्य चेता सतताम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डिविएशन एंड इजी टू ऑब्टेन, वो सन ऑफ प्रथा, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, राइट। आप लोगों को ये बता दिया कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो मेरा सतत चिंतन करता है उसको मैं आसानी से अवेलेबल रहता हूँ, ये बता रहे हैं भगवान, राइट। लेकिन इतना सुनने से आप लोग कर पाएंगे क्या इसको, कोई है? अब आप लोगों को फॉर्मूला तो पता चल गया कैसे काम कर करते हैं भगवान को, कर पाएंगे? कौन बोलता है मैं कर पाऊंगा, ऐसे हाथ ऊपर करिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन भी ओके। चलिए आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो अब सेम चीज क्या होता है, आप सबसे पहले ये तो पता रहना चाहिए ना, डिवोटी है क्या, राइट। हम लोग बात करते हैं डिवोटी डिवोटी, हमेशा भगवान के चिंतन में रहना चाहिए या फिर एंगेजमेंट रहना चाहिए भगवान की सर्विसेज में, राइट। सो एक्चुअल में डिवोटी है क्या, तो ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से स्वयं। ये बात कब की चल रही है, जब वॉर हो रहा है, भगवद गीता में ये चीज आती है, आप देखेंगे, पढ़िएगा इसको, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 12, राइट। चैप्टर 12 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग श्लोकास, ये स्टार्टिंग 5 श्लोकास, ओके। बहुत डीप है, बट इसके अंदर पूरे क्वेश्चंस का आंसर्स दिया हुआ, राइट। तो इसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं, प्रश्न करते हैं अर्जुन कि जो हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे प्रकार प्रकार के योगी हैं, ज्ञानी हैं, तो उसमें से परफेक्ट कैंडिडेट कौन है, या एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि आप किसके थ्रू, मतलब होते हैं ना, परफेक्ट कौन है सबसे ज्यादा, जो आपके होते हैं ना नित्य सेवा में लग सके। उसमें क्या देते हैं, दो ऑप्शन देते हैं, दो ऑप्शन क्या क्या देते हैं, पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट, सकारवादी निराकारवादी, एक हिसाब से देखा जाए तो जो भक्त होता है वो, या फिर जो भ्रमण पे चिंतन करता है वो। ये पूछ रहे हैं कौन, अर्जुन पूछ रहे हैं। अब इससे पहले क्या होता है, भगवान ने अपने जो उनके तीन फीचर थे वो बता दिए। तीन फीचर कौन कौन से थे उनके,
एक था पर्सनल, ठीक है, जो भगवान बताते हैं, दूसरा इम्पर्सनल, तीसरा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं ना अर्जुन को अपना भगवान, तो ये तो भगवान ने बता दिया उनको ये तीन चीज। फिर उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो भक्त हैं, या फिर एक हिसाब से बोला जाए ना भक्ति करने के पथ पे हैं, वो लोग दो इसमें विभाजित किए जा सकते हैं, एक है भक्त और दूसरे हैं कौन, निराकारवादी। मायावादी नहीं, मायावादी निराकारवादी दो अलग अलग है, जानते होंगे यदि आप तो उनका कैसे होता है ना, जो मायावादी होते हैं वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं बिलीव करते हैं, बोलते हैं भगवान है ही नहीं, ये भी बस चल रहा है। बट निराकारवादी क्या बोलते हैं कि भगवान है। तो अगर आपको इसको इजीली समझना हो तो भक्त में और निराकारवादी में क्या डिफरेंस है, तो प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, वो है सन का, राइट। तो जो सनशाइन के बारे में जानता है ना, सूर्य की रोशनी के बारे में जानता है, वो शुरुआती स्तर पे है भक्ति के ना, प्रारंभिक स्तर पे हम बोल सकते हैं, on the very first stage। फिर उसके बाद जब थोड़ा ऊपर जाएगा, वो स्टडी करेगा, तो उसको क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा कि एक ये गोला भी है या ग्रह है, सूर्य ग्रह है, प्लैनेट, तो क्या बोलेंगे, वो थोड़ा और ऊपर है। और जो थर्ड है, जो फाइनल स्टेज है, जो जानता है कि सूर्य पे लोग हैं, इस सूर्य के एक देव है जिनका नाम विवस्वान है, सूर्य पे भी जीवन है, जो जाके वहां रहे, सूर्य पे जा मतलब अंदर जा करके रहना, ये फाइनल स्टेज है। उसी प्रकार से जो निराकारवादी होते हैं ना, वो भगवान के ब्रह्मन पे फोकस करते हैं मोस्टली, वो सोचते हैं यही फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं है, राइट। हम लोग किसी भी चीज में नए नए आते हैं तो ऐसे लगता है सब पता है ना, सब कुछ जानते हैं, हमको कौन क्या सिखाने वाला है। निराकारवादियों को भी ऐसा रहता है कि उनको आगे का नहीं, जितना पता है बस, हाँ यही परफेक्शन है, इसके आगे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इसके आगे क्या ही होगा। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद इसमें, राइट। अब सेवा में तो दोनों लग रहे हैं, लेकिन क्या भगवान की सेवा में डायरेक्टली लग रहा है, राइट, डायरेक्टली कर रहा है वो भगवान की सेवा, देख रहा है सामने भगवान है, भगवान के लिए। आप में से बहुत लोग, जब डिवोटीज कम थे टेंपल में, बहुत सारे लोग पॉलिशिंग के लिए गए होंगे, अभी भी बहुत सारे लोग फ्लावर प्लकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्लेट्स वॉश करते हैं भगवान के, पॉट्स वॉश करते हैं डीटी बैकअप में, तो ये सब क्या सर्विसेज है, ये सब डायरेक्ट सर्विसेज है भगवान की, राइट। आप लोगों को पता है कि इसमें भगवान के लिए अभी भोग बनेगा, राइट, इसके अंदर भगवान के लिए आरती होगी, ये जो भी पैराफर्नेलिया हम लोग साफ कर रहे हैं, जो फूल तोड़ रहे हैं भगवान को ऑफर होंगे, तो ये डायरेक्ट सर्विस है। इम्पर्सनलिस्ट भी सेवा करते हैं, जो निराकारवादी होते हैं वो भी सेवा करते हैं, लेकिन निराकारवादी किस प्रकार से सेवा करते हैं, वो भगवान के निराकार पर ही सतत चिंतन करते रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। अब इसके लिए तो बहुत कठिन तपस्या है, क्योंकि हमारे पास भगवान है सामने, राइट, जिनको हम परसीव कर पा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो परसीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अब उनके लिए क्या है, मतलब सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि जो भक्ति योग में लगा हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए बहुत आसान है मुझे कौन करना। इसी में फिर भगवान, आप देखेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में क्या बताते हैं कि लिविंग एंटिटी इज नॉट दिस बॉडी, ही इज दिस सोल, राइट, एंड ही बिलोंग्स टू मी, ऐसे बोलते हैं भगवान दूसरे अध्याय में, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो बता दिया कि जीव है क्या, फिर उसके बाद आप आ जाइए आगे के चैप्टर में, आगे के चैप्टर में जो चैप्टर 7 है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि द लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी एंड आई एम दी सुप्रीम होल, राइट। तो हम लोग छोटे से अणु हैं, और भगवान जो है अणु और विभू का कंसेप्ट आपको वो बताओ, भगवान विभू, तो ये बता रहे हैं भगवान इसमें, राइट। फिर उसके बाद आप आ जाइए किसमें, आठवें चैप्टर में, आठवें चैप्टर में भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी मृत्यु के समय पे, फिर एट द टाइम ऑफ डेथ, हूएवर लीव्स हिज बॉडी थिंकिंग अबाउट मी अटेन्स माय प्लैनेट द स्पिरिचुअल इन द स्पिरिचुअल स्काई गोलोक वृंदावन एंड फ्रॉम गोइंग देयर ही नेवर नेवर कम्स बैक। भगवान ये बताते हैं किस प्रकार से यदि मृत्यु के समय हम लोग क्या करेंगे, भगवान के धाम, भगवान का चिंतन करेंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, जहां से हमें वापस आना नहीं पड़ेगा, ये बता रहे हैं भगवान किसमें, 8th चैप्टर में। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे हर एक इसमें, राइट, अभी हर एक चैप्टर में तो भगवान ये बता रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं 6th चैप्टर में कि जितने भी योगी हैं उन सब में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो भक्ति योगी,
जो हम लोग बोलते हैं ना, वो इज रेंडरिंग डायरेक्ट सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये भगवान बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मतलब, तो भगवान ने हर एक चीज हमारे लिए रख दी है। ओवरऑल ये पूरे चैप्टर्स में वो बता रहे हैं किस प्रकार से भक्ति योग क्या है, टॉप मोस्ट है, राइट। लेकिन अब हमारे अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि भगवान से मतलब अटैच होना क्यों है। भक्ति योग में है, चलिए हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल एक पर्सनल में डिफरेंस क्या है, दोनों तो भगवान ही है, राइट। तो चाहे यहां से आए वहां से आए, बात तो वही है। तो उसमें प्रभुपाद दिखते हैं नो कि जो भगवान के पर्सनल फॉर्म से अटैच नहीं होते हैं, राइट, और जो एकदम डिटैच होते हैं, मतलब इतना डिटैच होते हैं कि भगवद गीता की जब कमेंट्रीज लिखते हैं वो, तो भगवान को साइड ही कर देते हैं वो, कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, पूरा निराकार 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 ही बोलते रहेंगे कि ये तो निराकार है, ये भी निराकार है, भगवान निराकार है। जो कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से, जब वो विराट रूप दिखाते हैं तो बताते हैं कि जो नदियां हैं वो मेरी नसें हैं, जो पेड़ हैं ये सब मेरे बाल हैं, रोए हैं, ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं। लेकिन उसमें भी उन लोग डेल्यूट करके क्या प्रेजेंट कर देंगे, भगवान निराकार वाला, मतलब निराकार है भगवान, उनका फाइनल स्टेज निराकार है ये, राइट। तो अब इसमें जो है ये दो क्लासेस तो बता दिए, तो अर्जुन अभी यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं पता है आपको, कि इसमें परफेक्शन किसमें है, राइट। और परफेक्शन किस लिए पूछ रहे हैं अर्जुन, क्योंकि लिए वो अपना पोजीशन क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। उनके लिए उनका फेवरेट क्या है कि भगवान के साथ पर्सनली रह करके सर्व करना, राइट। लेकिन अभी भगवान बोल रहे कि नहीं नहीं इम्पर्सनल इज बेटर है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अर्जुन का अटैचमेंट है भगवान के पर्सनल फीचर, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। और अब इसका ही आंसर देंगे भगवान नेक्स्ट इसमें श्लोक में। तो भगवान क्या बता रहे हैं इसमें कि जो भी व्यक्ति सबसे मतलब जो मेरे पर्सनल फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट कर करके मेरी डायरेक्ट सेवा करता है। अब डायरेक्ट सेवा मतलब क्या है, जैसा कि हमने बताया कि जो भक्त तो होता है वो क्या करता है, हर एक चीज भगवान के लिए करता है। तो उसमें सब कुछ क्या है, आध्यात्मिक है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, नथिंग इज मटीरियल, राइट। अब इसमें क्या 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 आता है अगर कोई पूछे, तो आप देखेंगे कि डिवोटी के लाइफ में एक डिवोटी आपको कुछ चीजें ही करता हुआ मिलेगा। एक है सबसे पहला कि वो भगवान की सेवा कर रहा है, कुछ भी भगवान का नाम ले रहा है, या फिर ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, ग्रंथों का प्रचार कर रहा है, पुस्तकों का वितरण कर रहा है, ऐसे 24/7। यदि वो कहीं जाता भी है तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ खरीदने जाता है। यदि वो प्रसाद भी ग्रहण कर रहा है तो भी वो ये मान करके कि हाँ ये जो है भगवान अन्न रूप में मेरे सामने है, जिसका जिसको मैं सेवन करके अपनी चेतना शुद्ध करूंगा, और जो भी उससे मुझे पोषण मिलेगा उस पोषण से मैं भक्ति में सेवा में लगूंगा, राइट। तो इस प्रकार से पूरा चीज कहाँ रिवॉल्व हो रहा है आप देखने जाएंगे यदि, तो भगवान के ऊपर ही रिवॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि वो परफेक्ट है, वो अपना एक भी क्षण वेस्ट नहीं होने देता। और क्या बोल रहे हैं फिर अंत में भगवान, कि ऐसा जो डिवोटी है ना वो परफेक्ट समाधि में सिचुएटेड है, इससे बेटर और कोई पोजिशन नहीं है उसका, राइट। भगवान ने ये भी बता दिया। लेकिन अब आ जाते हैं किस पे, निराकारवादी, कि अब जो निराकारवादी है उनका क्या है। तो बता दिया भगवान ने कि जो भक्त होते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं निराकारवादियों को नहीं मिला, क्योंकि भगवान ने ये दोनों को ही तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट या फिर आध्यात्मिक व्यक्तियों के श्रेणी में डाला है ना, दोनों को कंसिडर किया भगवान ने, इम्पर्सनलिस्ट जो है उनको भी और जो डिवोटीज हैं भक्त उनको भी। भगवान बोल रहे हैं दोनों ही सही पथ पे, ये दो पाथ है, लेकिन समझ रहे हैं आप। तो ये दो पाथ में से सबसे इजीएस्ट कौन सा है भगवान बता रहे हैं, टू रेंडर डिवोशनल सर्विस डायरेक्टली एंड टू मी, ये बता रहे हैं, राइट। अब इसमें आप देखेंगे भगवान बता रहे हैं इसका, जो लोग निराकार पे चिंतन करते हैं, तो निराकार वालों के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो लोग मेरा ये चिंतन करते हैं जो पूरे इंद्रियों से बाहर है, आप लोग निराकार या फिर जो भ्रमण फीचर है उसको आप सेंसेस से परसीव कर ही नहीं सकते, राइट। आप बस बैठ करके आपको ध्यान करना है, लेकिन पकड़ ही नहीं सकते ना उस चीज को आप, तो वो बता रहे हैं भगवान। और वो क्या है, ऑल परवेडिंग है, इनकंसीवेबल है, सर्वज्ञात बोलते हैं, सर्वव्याप्त है और उसको कोई जान नहीं सकता। ये पहले भ्रमण का फीचर बता रहे हैं भगवान, ताकि हमको पता चले कि निराकारवादियों के लिए कठिन क्यों है। भक्तों के लिए तो आसानी से बता दिया, लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट है उनके लिए डिफिकल्ट क्यों है ये बता रहे हैं अभी यहाँ पे।
तो और इनका क्या है, जो इनकंसीवेबल है, अनचेंजिंग है, फिक्स्ड एंड इमूवेबल, राइट। तो और इसको पाया कैसे जाएगा, जब वो अपनी अलग-अलग इंद्रियों पे संयम पाएगा, हर एक जन से एक समान व्यवहार रखेगा। कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है ये, जिसको निराकार को समझना है। और उसको क्या करना है, हमेशा लोगों के हित में ही काम करना है, सेवा करनी है, और फिर अंत में जा करके मुझको अचीव करेगा। तो ये बता रहे हैं, राइट, भगवान इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो भगवान भगवद गीता में बोलता है ना कि बहुत सारे जन्मों के बाद में ना मनुष्य नाम सहस्रेश, इतने सारे लोगों में से, हजारों लाखों लोगों में से कोई एक भगवान को समझता है, लेकिन ये एक व्यक्ति जो है, इसको कितने जन्म लेने पड़ते हैं, इतने सारे जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर के कोई भगवान को समझने का क्षमता रखता है एक हिसाब से, यहाँ चलिए भगवान है, राइट। तो एक तो इतना कठिन है ये, ऊपर से आप सोचिए यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, थोड़ा उसको समझ आ जाता है, इतने सारे बर्थ लेने के बाद भी, तो क्या करता है वो कि वो सोचता है मैं भगवान को निराकार रूप से समझूंगा। अब निराकार रूप से समझने के लिए पहले उसको क्या करना है, इंद्रियों पर संयम करना है, राइट। इंद्रियों पर संयम करना कितना डिफिकल्ट है, अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि हवा के वेग को पकड़ लूंगा, मन लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। और आज आप देखेंगे जो लाइन से जितनी सेंसेस है, स्ट्रेट लाइन में सबसे डिफिकल्ट है कौन कर करना। हम लोग आंखों को एक जगह स्ट्रेट फिक्स नहीं रख सकते, राइट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे आप फोकस नहीं कर सकते ज्यादा समय तक। जो आपका नोज है, तो उसको यदि आप देखेंगे कुछ बुरी सुगंध आ गई, तुरंत नाक बंद कर लेंगे आप, कंट्रोल में नहीं है। कुछ अच्छा कहीं से आ गया तो रोक नहीं पाएंगे, वहीं खींचे चले जाएंगे। जीवा है, जीवा को बहुत अच्छा टेस्ट मिला इसे। आप लोग थोड़ा बाहर से आते हैं डिवोटीज, राइट, बाहर आपने देख लिया कोई चाइनीज बन रहा है या फिर कुछ भी एक पैराफर्नेलिया बन रहा है, देख करके मुंह में पानी आ गया, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है कि प्रसाद के सिवा और कुछ खाना नहीं हमको, तो टंग भी कंट्रोल में नहीं होता ना। अब बेली के लिए वही भूख लगी है, तो दोनों इंटर, टेस्ट और बेली फील करने के लिए, और बाकी तो डिस्कस नहीं करते हैं, छोड़िए, ब्रह्मचारी क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, सबसे पहली चीज। तो अब क्या आता है दूसरा, कि यहां पे आने के बाद उसको वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है। वेलफेयर एक्टिविटीज में क्या आ रहा है कि उसको लोगों की सेवा करनी है, इरिस्पेक्टिव, समभाव रख करके। ऐसा नहीं कि चलिए मुझको ये डिवोटी अच्छा नहीं लगता है, ये डिवोटी अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ इसकी सर्विस करूंगा, उसकी सर्विस करूंगा ही, राइट। इसको मैं चार रोटियां दूंगा फीस्ट होगी तो, या चार पूरी दूंगा, और इसको एक भी पूरी नहीं दूंगा, पूरी खत्म हो गई बोल दूंगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, उसको क्या करना है, समभाव रख करके सेवा करनी है, सबसे महत्वपूर्ण। पॉसिबल है, मेरे लिए तो नहीं होता, तो ये चीज है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना सब करने के बाद उसको क्या पता चलता है आपको, कि भगवान हर एक जगह है, एज परमात्मा, परमात्मा रूप में तो भगवान हर जगह है ना। भगवान बोलते हैं मैं अणु अणु में हूँ, राइट, इवन द बाइंडिंग फोर्स। अब ये सब जो आप देख रहे हैं हर एक कण में, तो भगवान बाइंडिंग फोर्स भी है, इस चीजों को पकड़ के भी रखा है उन्होंने, वरना ये चीजें पूरी फॉल अपार्ट, दे ऑल फॉल अपार्ट, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। तो वहां हर ऑब्जेक्ट में भी, हर ऑब्जेक्ट को पकड़ के भी रखे हैं, तब वो व्यक्ति क्या होता है, इस चीज को देख पाता है, और उस समय पे वो ओरिजिनल कंसेप्शन पे आता है, ही सीज नो डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंटिटीज, मतलब उसके लिए चूहा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये जीव, ये योनि, ये सब नहीं रहते। लेकिन अब देखेंगे ये साधारण मनुष्य के लिए इम्पर्सनल रियलाइजेशन कितना डिफिकल्ट है, राइट, हम लोगों के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, आप देखने जाएंगे। अब क्या होता है, अब यहाँ पे बता रहे हैं और नेक्स्ट, कि किस प्रकार से ना, जो ये अगर आप देखेंगे कौन सा मार्ग है, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग, इसमें बताया जा रहा है ये दोनों के लिए और चैलेंजेस क्या आते हैं, राइट। तो आप ऐसे ही ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, और ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या बता रहे हैं, भगवान ने पहले हमको बता दिया भक्ति योग क्या है, और अब बता रहे हो मतलब जो इसके प्रीवियस वर्ष था जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें बता दिया ज्ञान योग, या फिर इसमें जो लोग इम्पर्सनल फीचर भगवान का परसीव करना चाह रहे हैं और उस मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अब इसमें दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इस श्लोक में, कि कैसे हम लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि क्या क्या डिफिकल्टी है हमको, राइट। अब देखिए
दोनों का गोल एक ही है कि हमको भगवान के पास जाना है, राइट। बस यह है, ये इनडायरेक्टली कर रहे हैं और ये डायरेक्टली कर रहे हैं, बट गोल एक ही है दोनों का, चाहे वो भक्त हो या फिर निराकारवादी, राइट। तो अब इसमें ट्रबलसम क्यों बोला जाता है? अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो डायरेक्ट सर्विस है ना भगवान की, दैट इज वेरी नेचुरल टू द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी। क्यों नेचुरल है? क्योंकि लिए हम लोग जो है शुरुआत में क्या करते हैं, वैदिक भक्ति करते हैं एज पर दी रूल रेगुलेशन, राइट। फिर उसके बाद डिवोटी एडवांस होता है, देन ही गोज टू राग मार्ग या प्रेम भक्ति। ऐसा शुरुआत किस होती है? भगवान की डिग्री फॉर्म को वर्शिप करने के लिए, राइट। अब हम लोग क्या है, मतलब मैं मेरी बात करूं, मैं अभी भी स्टिल बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, राइट। ये सुनने में या फिर ये सब हमने बहुत समय से, मैं 5 साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ इसको, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये चीज पढ़ा भी है, इस पर बहुत सारे लेक्चर भी सुने हैं, लेकिन आत्मा को परसीव कर पाया तो मैं नहीं हूं, मतलब मैंने तो कभी परसीव नहीं किया कि आत्मा होती कैसी, आत्मा दिखती कैसी। भगवान ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, 1/10,000 टिप ऑफ दी हेयर, उतना पार्ट करेंगे आप और बहुत ब्राइट रहती है और पूरे बॉडी में इट गोज अराउंड एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये सब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं कभी उसको परसीव नहीं कर पाया। मैं क्या परसीव कर पाया हूँ, अपने आप को रोज सुबह देखता हूँ इन मिरर, तिलक लगाता हूँ, हेड शेविंग के लिए भी मिरर में देखता हूँ, सीखा है, कपड़ा पहन लिया, तिलक लगाने के लिए भी कभी कभार मिरर में देखता हूँ। तो मैं अपने आप को बॉडीली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे डीटी वर्शिप में, भगवान क्या है, भगवान इतने दयालु है कि वो अपना पर्सनल फॉर्म रख देते हैं, राइट। तो हम लोग भगवान को जब वर्शिप करते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप होता है कि हाँ भगवान ऐसे दिखते हैं। लेकिन निराकारवादियों के केस में क्या, उनको पता ही नहीं है दिखते कैसे हैं भगवान, दिख कैसे रहे, निराकार होता कैसे है, भ्रमण होता कैसे है, समझ रहे हैं। तो हमारे पास भक्ति योग में यही सबसे बड़ा बोलते हैं ना, एक बेनिफिट हम लोग बोल सकते हैं, प्लस पॉइंट बोलते हैं ना हम लोग, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमको ये जो प्रोसेसेस दिए हुए हैं ये ऐसे बाइफरकेट किए कि आप ग्रेजुअली इंप्रूव हो ओवर द स्टेप। तो सबसे पहले डिवोटी क्या कर रहा है कि वो भगवान की वर्शिप करो। भगवान के वर्शिप में भी सगुण है निगुण है, ये दो अलग अलग स्टेजेस है, राइट। तो अभी आप देखेंगे सगुण में क्या होता है कि भगवान को जो मटेरियल क्वालिटीज है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। मटेरियल क्वालिटीज किस प्रकार की, जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया, इवन हम लोग बोलते हैं ना भगवान की फोटो भी भगवान है, इवन ऑयल पेंट आप कंसिडर करिए, राइट। तो आप देखेंगे अगर इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि बहुत सारे लोग आज के डेट में पीओपी से बना रहे हैं, हर एक चीज अलग अलग मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है भगवान के विग्रह बनाने के लिए। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि जिस प्रकार से आप देखेंगे ना, पहले हुआ करते थे मेल बॉक्सेस, पोस्ट बॉक्सेस, आज तो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिकली चला जाता है, व्हाट्सएप कर देते हैं पोस्ट भेजने की जगह लोग, राइट। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो मेल बॉक्सेस होते थे ना, चाहे वो कितना भी पुराना हो, राइट, बट उसके अंदर यदि आपने चिट्ठी डाल दी ना, चाहे कितना भी पुराना हो, कहीं भी हो, वो चिट्ठी पहुंच जाती थी सही जगह पे। लेकिन अगर आप समझिए वैसा ही दिखने वाला एक और पोस्ट ऑफिस में कहीं भी लगा दू, वैसा ही दिख रहा है, लेकिन दिखने में सेम है, ऐसे लगा दू, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है ना, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है नहीं किया, वो मैंने बनाया ना, और मैं उसमें कितनी भी चिट्ठियां डालते जाऊं, पहुंचेगी वो सही जगह पे, कभी नहीं पहुंचेगी सही जगह पे, वो वहीं की वहीं रहेगी, वहां से हिलेगी नहीं। उसी प्रकार से भगवान का ये जो फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है, अर्च विग्रह बोला जाता है, अर्च विग्रह बोला जाता है भगवान के इस फॉर्म को, जो डीटी फॉर्म है। हम लोग मूर्ति नहीं बोलते हैं, बाहर के लोग क्या बोलते हैं, कितनी अच्छी मूर्ति है, राइट। हम उसका जो टेक्निकल टर्म है उसे क्या बोला जाता है, अर्च विग्रह, क्योंकि इसमें भगवान को बुलाया जाता है, राइट। इसके लिए आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग कह रहेगे डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनीज में, राइट, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, नेत्रोत्सव होता है, भगवान की आंखें ओपन की जाती हैं, इतने सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, डीटीज को इंस्टॉल किया जाता है, डीटीज को बुलाया जाता है। तो गुरु बुलाते हैं स्वयं भगवान को कि आप आइए यहाँ पे वास करिए, और आप जिस टेम्पल में श्री श्री राधा राज कह रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं बुलाया था भगवान, और बुला करके क्या बोला था, माई डियर लॉर्ड प्लीज स्टे हियर एंड आई विल बिल्ड योर गॉर्जियस टेम्पल, राइट। ये प्रॉमिस किया था प्रभुपाद ने, और इसीलिए राधा राज कह रहे थे इनके शेड में पानी टपक रहा है, इतने तपस्या किया,
राज विहारी ने प्रभुपाद के लिए, राइट, तुम्हारा ऐसे टेम्पल में, तो ये अर्च विग्रह है, मूर्ति नहीं है सिर्फ, राइट। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे भक्त के लिए ना कुछ ऐसे डिफिकल्टी नहीं होती भगवान को अप्रोच करने में, जहां करके अगर आप देखेंगे कि निराकारवादियों के लिए बहुत डिफिकल्ट फॉर द इम्पर्सनलिस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। अब इतने सारे उपनिषदों में ये सारी चीजें दी गई है, लेकिन उपनिषद में बताया भी गया कि यदि किसी को निराकार रूप से भगवान को प्राप्त करना, कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन उपनिषद पढ़ने के लिए, समझने में, जीवन में उतारने के लिए कितना श्रम लगता है उसको समझ में, कॉमन मैन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हमारे लिए प्रभुपाद ने इतना सिंपल तरीके से दे के रखा है कि हाँ चलो ये टेक्स्ट है, ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स है, परपट है, फिर भी हमें भगवद गीता नहीं समझ आ रही। उपनिषदों को तो किसी ने ट्रांसलेट कर दिया, वो बहुत बड़ी बात, किसी ने तो उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है, राइट, कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ये सारी चीजें नहीं दी गई। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत डिफिकल्ट होता है एक इम्पर्सनलिस्ट के लिए परसीव करना। यहाँ हम लोगों को प्रभुपाद ने दिखाया कि अब जो इम्पर्सनलिस्ट होता है ना उसके लिए आइडिया भी डिफिकल्ट होता है भगवान को परसीव करना कि भगवान ऐसे दिखते, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता, राइट। अब बेचारा करे तो क्या करे, अब हमको तो देखा जाता है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, हमें संबंध ज्ञान मिलता है, उसके बाद भागवतम में जाते हैं, पता चलता है कैसे एक्ट करना है, और फिर उसके बाद में सीसी में पहुंचते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन मिलेगा क्या हम लोग, राइट। तो उसी प्रकार से अब हमारा फाइनल आंसर कि भगवान को कॉन्कर कैसे किया जाए, अब देखेंगे जब ये युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उससे पहले गए थे भगवान क्या करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, कृष्णा वेंट टू दुर्योधन, राइट। और वहां पे क्या होता है कि सब चीज सेटलमेंट हो रही है, ये हो रही है, और इससे पहले भी प्रसंग है, ये भी प्रसंग है, लेकिन फिर वहां पे ऐसा होता है दुर्योधन मानते नहीं है, राइट। भगवान उनके सामने जाकर के दुर्योधन को ना, मतलब इज लाइक जितने भी सो कॉल्ड बोलते ना ऐसे रावण हो गए, हिरण्यकशिपु हो गए, इन सब में सबसे कनिंग दुर्योधन था, ही गेट्स द टॉप अवार्ड, सबसे टॉप का अवार्ड मिलता है बीइंग द मोस्ट कनिंग, सबसे ज्यादा कुटिल बोलते हैं ना, तो वो था दुर्योधन, सबसे टॉप लेवल का। भगवान उसको बोल रहे हैं, इवन भीष्म देव बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य बोल रहे हैं कि मान लो बात, क्यों नहीं समझ रहे हो, राइट, सब लोग बता रहे हैं, और भगवान स्वयं अपना रूप मैनिफेस्ट किए, फुल फॉर्म विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया था भगवान ने, दोनों को दिखाया, लेकिन दुर्योधन क्या बोलता है, ये तो छल कर रहा है, ये माया जाल बहुत अच्छे से जानता है, मुझको माया जाल दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ है नहीं, ऐसे बस इसका माया शक्ति है, माया पोटेंसी ऐसे दिखा रहा है, भगवान भगवान कुछ नहीं है ये, ठीक है। बहुत कुटिल था, अलग अलग टाइप का पॉलिटिक्स कर रहा था भगवान को कॉन्कर करने के लिए, बहुत सारा पॉलिटिक्स ट्राई कर रहा था। उसके लास्ट में क्या बोला कि अरे आप ऐसे उठ के क्यों जा रहे हैं, मैंने तो आपके लिए इतना सारा फीस बनाया, फीस खा के जाइए, प्योर घी में देसी कचोरी उचोरी है, पूरी है, ये है, वो है, इतने पकवान है, संदेश है, बहुत अच्छे से पता है। वह क्षण मात्र भी नहीं रुके, वहां से कहाँ गए, वो विदुर जी के पास, विदुर जी के पास जब गए तो जो विदुरानी थी, विदुरानी देख करके इतना खुश हुई उनको, क्योंकि आती सबसे पहले फल लेके आई, जब वो फल लेके आई, फल कौन सा था, केले का फल, इतना प्रसन्न हो गए उनको, मतलब इतना इंटेंस ब्लिस फील हुआ उनको, केले को छील तो रही थी लेकिन मेन केला फेंक दे रही थी, छिलका ले रही थी, और भगवान क्या कर रहे थे, भगवान बोल रहे थे हियर इज माय डिवोटी, और उस छिलके को एकदम आनंद से खा रहे हैं, राइट, आनंद से, और इनको भी नहीं पता कि ये छिलका खिला रही हूँ भगवान, दोनों ब्लिस मतलब डिवोटी सर्व कर रहे हैं, और भगवान क्या हो गया वहां पे, आई एम कॉन्क्वर्ड बाय माय डिवोटी, छिलका दे रहे हैं भगवान, तो भगवान को कैसे कॉन्कर करेंगे, छिलका खिला के, नहीं, यू कैनॉट कॉन्कर लॉर्ड बाय यू नो फीडिंग हिम बनाना पील्स, राइट, उससे कॉन्कर नहीं होंगे। वो क्या कर रहे थे, वो इतना खुश हो गए भगवान की डायरेक्ट सेवा मिली उनको,
कि वो उस भाव से सेवा कर रहे थे भगवान का। और भगवान को इसीलिए क्या बोला गया, भावाग्रही जनार्दन। आपको क्या सोचता है भगवान ये सब चीजें लेते हैं, जो दाल चावल हमको बना के देते हैं, पूरियां बना के देते हैं, खीर संदेश ए टू क्वालिटी घी में या फिर ए टू क्वालिटी दूध में, सब जो मिलावट वाली चीजें होती है, आधा पानी है, 80% पानी 20% दूध, ये सब लेते हैं क्या भगवान? जो भक्त का भाव होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि डिवोटी भगवान के डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में लगा हुआ, लविंग लविंग डिवोशनल सर्विस में, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आज आप देखेंगे आज, और इसमें देखिए कॉन्कर किया तो किया, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है ये भी पता चलेगा आप लोगों को, कि कैसे जो यदि कोई व्यक्ति किसी पर कॉन्कर करता है तो मतलब वो श्रेष्ठ हुआ ना। तो हम बोल रहे हैं भक्त जो है भगवान को कॉन्कर कर लेता है, तो भक्त श्रेष्ठ कैसे है ये भी बताते हैं आज। आज आप लोगों को पता होगा वक्रेश्वर पंडित जी का क्या है, अपीयरेंस अपीयरेंस डे, राइट? तो उनका ही पास टाइम, मैं डायरेक्ट फाइनल इस पे ये करता हूँ, जंप करता हूँ कंक्लूजन पे। तो देवानंद पंडित थे, देवानंद पंडित ने एक अपराध किया था, एक भक्त है चैतन्य महाप्रभु के, श्रीवास आचार्य। वो उनके भागवत कथा बहुत अच्छा भागवत कथा करते थे देवानंद पंडित, लोग उनको मतलब सुनने के लिए आते थे, इतना कि मतलब ऐसे लगता था कि वो डायरेक्ट देख करके बता रहे हैं, वो वहां पे हैं। वैसे क्या हुआ ना, श्रीवास आचार्य जो थे वो जब भगवान का नाम सुनते थे, वो कथा सुनते थे, एकदम तो एक्सटेसी में आके वो रोल होने लगी जमीन पे। तो इनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया, देखा इस चीज को और उनको उठा के फेंक दिया बाहर रोड पे, राइट? वो अचेत अवस्था में है, क्योंकि ले एक्सटेसी ऐसी होती है ना, कुछ सुध-बुध होता ही नहीं, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अपना फेस जो है वो कृष्णा को देख लेते थे, ऐसे राधा रानी के मोड में था, जैसे हैविंग हार्ट राधा रानी देखते थे, और कृष्णा गायब हो जाते थे, दीवार के पास जाकर के पूरा चेहरा रगड़ने लगते थे अपना, पूरा स्किन यूज टू पील ऑफ, पूरा फट जाता था चेहरा उनका, दीवार इतनी सख्त है। हम लोग सोचिए ना, ये तो हमारे लिए इतना फैसिलिटी, कैसे दीवार पर रगड़ेंगे तो स्मूथ स्मूथ लगेगा कि हमारे पास है वुडन, राइट? सोचिए स्टोन की दीवार है, उस पे चेहरा रगड़ रहा है, ये एक्सटेसी होती है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ ना, और चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, चैतन्य महाप्रभु क्या किए, तो बोले तुमको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, यही रहोगे तुम। अब जो ये वक्रेश्वर पंडित हैं, इनको क्या बताया कृष्ण लीला में, ये क्या है, तुंग विद्या। तुंग विद्या गोपी जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करती थी। और कैपेसिटी क्या था पता है, अभी रथ यात्रा आ रही है, देखते हैं आप लोग कितने लोग यहाँ से अंधेरी तक भगवान के लिए डांस करते हुए जा सकते हैं एनर्जेटिकली। आज ज्यादा टाइम नहीं लेगा, पूरा ट्रैफिक को फिर पकड़ के मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, 2 घंटा मैक्स टू मैक्स जस्ट टू डांस फॉर 72 आवर्स कंटिन्यूअसली, 72 घंटे ऐसे ही मतलब भगवान के लिए नृत्य करते। तो चैतन्य महाप्रभु की जो एक पार्टी थी ना, उसमें वक्रेश्वर पंडित वॉज लीड डांसर। इसी प्रकार से प्रसंग क्या होता है, वो देवानंद पंडित को देखते हैं, सेवा से खुश होता है, उनको क्या करते हैं, बूंद या बोलते हैं ना, उनसे प्रसन्न होकर के उनको स्टेटमेंट देते हैं आशीर्वाद कि वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान क्या करेंगे तो ठीक है भाई चलो हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो भक्त भगवान को कौन कर लेते हैं, तो क्या होता है, उन लोगों को भगवान के ऊपर प्रधानता मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को रूल करते हैं, भगवान को अपने हिसाब से चलाते हैं, ऐसा नहीं। पोजीशन को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं वो, उस पोजीशन का यूज करके और सेवा करते हैं। जैसे भगवान के सबसे ना उस द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्रीमती राधा रानी है, बट राधा रानी क्या करती हैं दूसरे डिवोटीज को, ओ कृष्णा प्लीज ब्लेस हिम, इज योर वेरी गुड डिवोटी, ही इज डूइंग सो मच सर्विस। सबसे ज्यादा सर्विस राधा रानी कर रही है, लेकिन रिकमेंडेशन राधा रानी देती है, क्या ले लीजिए अधम से अधम लोगों को, सिर्फ एक बार डिजायर कर लेगी, भगवान आप सेवा में लगा लीजिए मुझको। तो जब करते हैं ना नाम मांगते हैं, तो भगवान पहले फाइटिंग होती है दोनों में, जब आप हरि नाम लेते हैं पता है आपको, फाइटिंग होती है हार्ट में, किसकी, हरे और कृष्ण की। तो राधा रानी बोलती है कि मैं पहले कृपा करूंगी इस पे, भगवान बोलते हैं नहीं मैं पहले कृपा करूंगा। तो दोनों लड़ते हैं, तो राधा रानी कैसे जीतती है पता है आपको, राधा रानी बोलती है कि
कि इसने बुलाया किसको पहले? हरे कृष्ण महामंत्र में किसको बुलाते हैं पहले? हरे हरे कौन है? राधा। इसने मुझे पहले बुलाया इसलिए मैं इसकी हेल्प। सो ये होता है डिवोटी। दिस इज हाउ डिवोटी फंक्शंस। सो आप लोगों को पता चल गया कैसे कौन कर करना है को? प्रैक्टिकल थियोरेटिकल एवरीथिंग विद पास्ट टाइम इन द। कितने लोग रेडी हैं भगवान को कौन कर करने के लिए? नहीं बोल रहा एलिजिबल है, रेडी है पूछ रहा हूं। मैं भी हूं थोड़ा थोड़ा। चलिए सो क्वेश्चंस ऑनलाइन यदि किसी डिवोटी को है वो पूछ सकते हैं हैंड्स अप करके, लेकिन पहले ऐसे नहीं आप लोग माइक अनम्यूट करके सीधा क्वेश्चन पूछना चालू कीजिए। यहाँ पे ऑफलाइन डिवोटीज यदि आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभुजी, सबसे आसान तरीका है शिक्षण। हाँ वही है, हमारा पूरा मोमेंट इसीलिए बना, इतनी सारी सर्विसेज भी जो है प्रभुपाद ने इसीलिए दी है कि हम लोग एक जगह बैठ करके 16 माला कर पाए ध्यान पूर्वक। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान पूर्वक। मोबाइल निकाल लूंगा मैं, अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलूंगा ना, मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरा 16 माला हुआ कब। लेकिन वो हर एक मंत्र हर एक शब्द को सुनना, जप करना, उस पर कंटेम्पलेट करना कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ और कि मैं उसको सही तरीके से कर रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये गेज करना। सो महत्वपूर्ण है, इजिएस्ट प्रोसेस है ये भी, वन ऑफ द प्रोसेस है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम साक्ष्यम आत्मनिवेदन, 9 लिम्स में से एक ये भी है। श्रवण और कीर्तन इसमें दोनों आ जाता है। आप हियरिंग भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो अब तो दो प्रोसेस एक साथ कर रहे हैं। और एक्चुअल में यदि बोला जाता ना नवदा भक्ति में से 5 प्रोसेसेस तो ऐसे ही आपने फॉलो कर लिए, दिया हमारे टेंपल का मॉर्निंग प्रोग्राम बैठ जाते हैं, भागवतम क्लास तक, प्रसादम तक बैठेंगे तो और बढ़ेगा, सेवा करेंगे तब तो पूरे 9 के 9 हो जाएंगे ऐसे, विदाउट रियलाइजिंग। कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, भक्तों के साथ रहिए बस, सब कर सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं पूछता हूँ। ये हाँ, ये अभी आप देखेंगे विश्व रूप मतलब क्या है। इवन अर्जुन ने भी पूरा नहीं देखा था, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं, सर उनका है बादलों में, पैर उनके कहीं और, जो दिख रहा था सामने उतना ही दिख रहा था, ये नहीं पूरा बादल सब कुछ देख लिया था अर्जुन। आप देखेंगे जो विश्व रूप है इतना विराट है, वो विराट रूप इतना विराट है कंसीव ही नहीं कर पाता कोई। भगवान दिखा तो पूरा रहे थे, लेकिन देख पा रहे थे क्या पूरा? प्रभुपाद ने पूरा भगवत धाम जाने का प्रोसेस दे दिया हमको कि बस ये प्रोसेस करो, ये करो, ये करो, 16 माला करो, टेम्पल में रहो, ये चीज करो, आसान है ये। दिखाया तो दोनों को था, चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण हो, दिखाया था। कभी दिखाया उसको जान के आप क्या करेंगे? मतलब मैं बता देता हूँ कब दिखाया, बट उससे आपके भक्ति में क्या प्रोग्रेस होगा? ऐसे ही जानना था, ग्रंथ पढ़िए, हर एक चीज बता देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, पढ़ेंगे नहीं आप? दृढ़ कैसे? लेक्चर से रिलेटेड तो नहीं है, पर्सनल क्वेश्चन आप बाद में पूछ सकते हैं, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं वो आंसर करूंगा आपका, लेकिन ये सेशन एक्चुअली में पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। और कोई ऑनलाइन कोई किसी को नहीं है, सो वील वाइंड अप, राइट? सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर पेशेंटली अटेंडिंग द सेशन। आई होप दैट इसमें कुछ भी त्रुटि हुई हो तो आप लोग क्षमा करें। Ask for forgiveness. Vancha ka guru vishya ka prasandha vishya ka chitaan pravam guru vishya. Shri Prabhupada ki jai.
Thank you.